शनिवार को जवाहर रंगमंच पर जिला स्तरीय गार्गी पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने अजमेर जिले की करीबन 1000 मेधावी छात्राओं को गार्गी पुरस्कार से पुरस्कृत किया। पूरे राजस्थान में बसंत पंचमी के मौके पर गार्गी पुरस्कार वितरण समारोह के आयोजन किए गए, जिसमें 10वीं और 12वीं में 75% से अधिक अंक लाने वाली मेधावी छात्राओं को प्रमाण पत्र और नगद प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। जवाहर रंगमंच पर मुख्य अतिथि शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने जिले की 1413 छात्राओं को 53 लाख की राशि के चेक और प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर देवनानी ने कहा कि देश में बेटियों की शिक्षा को लेकर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन अब इनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार नई योजनाएं बनाने में प्रयासरत है। देवनानी ने कहा कि प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनकी सरकार अब शारदे छात्रावास नाम से करीब 19 नए छात्रावास भवन बनाने की तैयारी कर रही है, जिसमें उनको पूरी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। साथ ही देवनानी ने प्रधानमंत्री के नारे बेटी बचाओ सबको पढ़ाओ पर सभी अतिथि और छात्र छात्राओं को प्रतिज्ञा दिलाई। परिवर्तन की ये छात्राएं वाहक बने, इसी आशा के साथ ये गार्गी पुरस्कार इस समय सारे राजस्थान के अंदर जिला केंद्रों पर हो रहा है। पूरे राजस्थान के अंदर 48,000 छात्राओं को 18.13 करोड़ रुपए का वितरण हम लोग कर रहे हैं और अजमेर जिले के अंदर 1413 बालिकाओं को लगभग 53 लाख रुपए की राशि का वितरण हो रहा है। इसके साथ एक इंद्रिय प्रदर्शनी पुरस्कार भी आज दिया गया, जिसमें 6 समूह हैं। उन समूह में 10वीं की छात्रा को 75,000 रुपए और 12वीं की छात्रा को 1 लाख रुपए, 6 छात्राएं 10वीं की और 6 छात्राएं 12वीं की, इनको आज पुरस्कृत किया गया। गार्गी पुरस्कार का वितरण समारोह आज आयोजित हुआ, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा कक्षा 10 में 75 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बच्चियों को ₹3,000 की राशि प्रति छात्रा के हिसाब से उनके विद्यालयों को चेक दिए गए और इसी प्रकार कक्षा 12 में जिन्होंने 75 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनको 5,000 का चेक प्रति छात्रा के हिसाब के उनके विद्यालयों को दिया गया। आज के इस फंक्शन में कुल 1,443 छात्राओं को कुल 53,47,000 की राशि का वितरण। यहां लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के आगे राजकीय कन्या महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव। एक बार फिर स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें। राजकीय कन्या महाविद्यालय में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी के आतिथ्य और एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी के विशिष्ट आतिथ्य और कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रेणु शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन कर आराधना की गई। संगीत विभाग की छात्राओं ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। तत्पश्चात छात्रा संघ अधिष्ठाता डॉक्टर शकुंतला देवी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। रौनक द्वारा एकल नृत्य और योग प्रशिक्षक यतीन्द्र शास्त्री द्वारा प्रशिक्षित श्वेता आर्य ग्रुप द्वारा आत्मरक्षा की प्रस्तुति दी गई। अतिथियों ने वार्षिक परीक्षा में महाविद्यालय स्तर पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं, विभिन्न गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को प्राचार्य पदक, विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ रही छात्राओं को 19 चल वैजंती और 19 कक्षा प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। अतिथि वासुदेव देवनानी ने बसंत पंचमी के पावन पर्व पर त्रिदेवियों का वरदान बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए बेटी बचाओ आंदोलन के अंतर्गत उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई। Thank you.
इससे पूर्व छात्राओं ने पीले परिधान पहनकर मां सरस्वती का पूजन किया और बसंत उत्सव मनाते हुए शानदार नृत्य की प्रस्तुति दी। हम बेटी बचाने का काम करेंगे, कभी लिंगानुपात की जांच नहीं करवाएंगे। इसके लिए अपने परिवार जनों को भी प्रेरित करेंगे, अपने परिचितों को भी करेंगे, और यह एक अभियान जो एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ बसंत पंचमी इससे अच्छी तरह और नहीं मनाई जा सकती, जिस तरह हम साक्षात जो हमारी ज्ञान की देवी सरस्वती है, प्रत्येक बच्ची सरस्वती के प्रतीक के रूप में है, जिनका हम सम्मान करते हुए उनको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। वार्षिक उत्सव था और साथ साथ समापन और पुरस्कार वितरण समारोह था, और इसमें जो है सभी क्षेत्रों में महाविद्यालय में अव्वल आने वाली छात्राओं को, चाहे वो एकेडमिक हो, साहित्यिक हो, सांस्कृतिक हो या खेलकूद हो, इन सभी छात्राओं को जो है माननीय श्री शिक्षा राज्य मंत्री श्री देवनानी जी के हाथों देकर कमलों से, और श्री कैलाश जी सोडानी कुलपति अजमेर विश्वविद्यालय के द्वारा जो है पुरस्कार बांटे गए। राजकीय सावित्री कन्या महाविद्यालय ने इस बसंतोत्सव पर अपने एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम किया, जिसमें सभी प्रतिभावान छात्राओं को पुरस्कृत किया, और कल्चरल एक्टिविटी हुई, उन्हीं की कल्चरल एक्टिविटी हुई जो स्टेट पर नेशनल लेवल पर फर्स्ट या सेकंड आए हैं। अजमेर संस्कृत संभागाधीन जिलों अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक का गार्गी पुरस्कार सम्मान समारोह बसंत पंचमी पर शनिवार को गंज स्थित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय महाविद्यालय में शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी के आतिथ्य, महंत श्याम सुंदर शरण देवाचार के विशिष्ट आतिथ्य और प्राचार्य लक्ष्मी नारायण भार्गव व पार्षद विजय खंडेलवाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी ने बताया कि प्रवेशिका परीक्षा 2014 में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्राओं और कक्षा 11वीं में नियमित अध्ययनरत छात्राओं को द्वितीय किश्त पुरस्कार स्वरूप 3000 का चेक और प्रमाण पत्र। संस्कृत के साथ साथ पूरी शिक्षा को आगे बढ़ाने के गत वर्षों में आप देख रहे हैं, हर वर्ष ये राशि बढ़ रही है, हर वर्ष बच्चियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, तो उसका प्रोत्साहन का असर निश्चित रूप से क्षेत्र में दिखाई देता है। हम लगता है कि राजस्थान जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछले दिनों 22वें नंबर पर आ गया है, वह हमारे प्रयत्नों से पहले 10 के अंदर हम इस वर्ष लाने का प्रयत्न करेंगे। इसी तरह बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार में कक्षा वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक हासिल करने वाली बालिकाओं को 5000 की राशि का चेक और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी डॉक्टर निरंजन साहू ने जानकारी देते हुए बताया, 26 छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। प्रथम किस्त के रूप में 9 छात्राएं, द्वितीय किस्त के रूप में 6 छात्राएं, और गार्गी जो बालिका प्रोत्साहन है उनको 11 छात्राओं को पुरस्कृत हुआ। प्रथम किस्त में 3000 रुपये और द्वितीय किस्त में 3000 रुपये, और बालिका प्रोत्साहन जो वरिष्ठ उपाध्याय कक्षा में 75% से अधिक अंक लाए थे उनको भी 5000 रुपये का चेक वितरित किया गया। इस प्रकार की 26 छात्राओं को हमने पुरस्कृत अजमेर संभाग की ओर से किया।